आज जिला कलेक्ट्रेट पर गोकुलदास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएं, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करें, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, शराब पीकर नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहें। और अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए मैं डॉक्टर शफली अग्रवाल, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवा और गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने महाविद्यालय की ओर से जिला अधिकारी महोदय माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी का हृदय से सुरक्षा की यही है पुकार, बिना हेलमेट सब है बेकार। इन दो लाइनों से जैसे आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि 4 जनवरी से हमारे प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चालू है। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेट हो रहा है। अरे बेटा संभाल के जाना, रोड पे सारे रोड फॉलो करना और जाना। हेलमेट लेके लेट हो रहा है, लेकिन हेलमेट लेके थोड़ा साइड भैया, थोड़ा शॉर्ट बोल लेना। आप लोग को शर्म नहीं आ रही एक्सीडेंट हुए और आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमें एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए। हेलो एम्बुलेंस जी, हम जरूरत पर लगता है। आजकल ज्यादातर लोगों की सोच यह है यदि वो किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा पहले हुआ करता था। यदि आप इस समय किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको इनाम के साथ सम्मानित किया जाएगा। यदि आप जितनी बार उसकी मदद करते हैं उतनी बार आपका इनाम बढ़ता जाएगा। और आपके इमरजेंसी फोन लगा रखे हैं, यदि किसी का आप सड़क दुर्घटना देखते हैं या एक्सीडेंट देखते हैं तो आप उन नंबर से कॉल कीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। ज़्यादा लोड हो चुका है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। जी मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल में? लेके गई थी हॉस्पिटल, लेके गई। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? सिटी हॉस्पिटल, चलो जल्दी। यही है दुष्परिणाम हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना लगाने का। यही था परिणाम ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करने का। दो पहिया वाहन चलाते समय स्पीड रखें 40 और चार पहिया वाहन चलाते समय स्पीड रखें 60-80। शराब पीकर ना चलाएं वाहन। यदि चलाएं वाहन तो फोन का उपयोग करें बंद। सुप्रजापति, मैं बीए फर्स्ट, मैं गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, क्योंकि वो लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते ना, हेलमेट लगाते हैं। इसी हम नुक्कड़ नाटक से यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग ये सब करें, ट्रैफिक रूल फॉलो करें, हेलमेट लगाएं, जिससे एक्सीडेंट का स्तर कम हो। क्योंकि इतने लोग हैं, उनका घर है, वो अपने घर को भी तो देखते हैं ना, और उनके घर पर क्या बीतता है। धन्यवाद। इकाई ने यहां पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया कलेक्ट्रेट में। ये केवल यही नहीं बल्कि शहर के उन कोनों में जहां बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही आना जाना है, वहां पर इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। इसका प्रमुख कारण, जैसे कि मेरे से पहले डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने बताया, कि लोग अभी भी नियमों को जानते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्हें अपनाने में पता नहीं क्यों इतनी कोताही बरतते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा ये छात्राएं लोगों से ये अपील कर रही हैं कि वो जितनी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये ना मिलेगी दोबारा वाली बात है, और ये जीवन अमूल्य है, इसलिए हमें उसे सुरक्षित रखना, एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत करना और सभी प्रकार के खतरों से अपने आप को सुरक्षित करते हुए लोगों की सहायता करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए राष्ट्रीय सेवा इकाई ने भी इसी उद्देश्य को और इसी संदेश को लोगों में इस यातायात सप्ताह के माध्यम से फैलाने की कोशिश की। देखिए गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज के जो एनएसएस के एडिट्स हैं, कार्यक्रम द्वारा यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया कलेक्टेड।
इसके पीछे मंशा है कि जो आम जनमानस है उसको ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर किया जाए, और चूंकि इसमें ट्रैफिक सुरक्षा माह भी चल रहा है, 1 महीने की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके माध्यम से, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैसे हम अपना बचाव करें, कैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, इसका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है और इसका आम नागरिकों पर निश्चित रूप से बेहतर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस परिसर में ढेर सारे ऑफिसेज हैं, पब्लिक का आवागमन होता है, इसलिए इस स्थल को चयनित किया गया है। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैडम का और इनके पूरे टीम का और NSS के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का भी आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इन बच्चों के कार्यक्रम में आकर के इनकी हौसला अफजाई की। धन्यवाद सर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।